हम लोग SSB कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी से हैं। लोगों का मानना है कि हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट मसाज करते हैं, गरम सेका देते हैं, ये ऐसा नहीं होता है। हम लोग एडवांस थेरेपीज पढ़ते हैं, हम लोग 4.5 साल का कोर्स करते हैं, कोई मेडिकल स्टूडेंट से कम नहीं पढ़ते। हम लोग पढ़ लिख के ह्यूमन बॉडी को स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग थेरेपी देते हैं। हम ना कोई मसाज करते ना गरम सेका देते हैं, हम लोग थेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं। हम लोग ना सिर्फ फ्रैक्चर्स या घुटनों के दर्द को ठीक करते हैं, हम लोग स्पोर्ट्स वालों को भी ट्रेन करते हैं, एथलीट्स को ट्रेन करते हैं, रनर्स को ट्रेन करते हैं, क्रिकेटर्स को ट्रेन करते हैं। हमारा रोल हर जगह है, लेकिन लोगों के दिमागों में सिर्फ इतना है कि हम लोग मसाज करते हैं और गर्म सेके देते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। हम लोग हर फील्ड में ऐसे ग्रो कर रहे हैं कि उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। आज का वॉकथॉन जो था, उसका मोटिव ये था कि हम लोग सबके दिमागों में ये अवेयरनेस लाए, हम लोग सबके लिए ये अवेयरनेस लाए कि ये सिर्फ मसाज नहीं है, गरम सेके वाली ट्रीटमेंट नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे एडवांस थेरेपीज के थ्रू ट्रीट करते हैं। Myself Dr. Mahmood, I am the principal for Sayyed Abu Bakr Siddiq Sayyed Bari College of Physiotherapy Gulbarga under the charitable trust of Sayyed Bari Educational and Charitable Trust, which was governed by and headed by the President Alhaj Engineer Sayyed Abdul Rahim Sayyed Bari Sir. आज हम लोगों ने एक इवेंट इनिशिएट किया है जिसका नाम है वॉकाथॉन ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, जो हर साल दुनिया भर में 8 सितंबर को सारी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। इस इवेंट का हमारा जो मेन मकसद है, जिसके अंदर हमने पूरा फिजियो वीक किया है फ्रॉम 1 सितंबर अप टू 8 सितंबर, जिसके अंदर हमने कई सारे इवेंट्स किए हैं। जो 1 सितंबर को जो हमारा इवेंट था वो ट्री प्लांटेशन था, उसके बाद हमारा जो 2 सितंबर को जो इवेंट था वो योगा डेमोंस्ट्रेशन, उसके साथ इनमें हमने ओल्ड एज फिजियोथेरेपी कैंप भी किया है अवेयरनेस के लिए। तो इसी तरीके से जो हमारा आज का जो इवेंट था वो है वॉकाथॉन, जिसके अंदर हम एक अवेयरनेस और हेल्थ अवेयरनेस के लिए वॉक कर रहे थे फ्रॉम जगत सर्कल अप टू दिमापुरी चौक। और ये हमारा मेन जो मोटिव है इसके पीछे कि हम ये जो वॉकिंग कर रहे हैं आज, ये हम डेडिकेट कर रहे हैं उन सब के लिए जो डिसेबिलिटी की वजह से या पेन की वजह से या ओल्ड एज की वजह से, और स्पेसिफिकली सबसे जो मेन रीज़न है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो आज कल की पूरी वर्ल्ड की सारी दुनिया की एक 70% डिसेबिलिटी वाली कंडीशन है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो ऐसे लोग हैं जो ये डिसेबिलिटी और पेन की वजह से वॉक नहीं कर सकते। तो हमारा जो वॉकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है बाय द मैनेजमेंट, बाय द फैकल्टीज एंड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ SSB कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी। उन सबको हम डेडिकेट करना चाह रहे हैं कि हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट वी विल डेफिनेटली मेक यू वॉक, लेट यू वॉक, एंड वी वॉक एंड विल मेक यू वॉक। We walk, we will make you walk. We walk, we will make you walk. We walk, we will make you walk. I am proud to be a physiotherapist. I am proud to be a physiotherapist. I am proud to be a physiotherapist. Motive behind our walking, so we want to create an awareness regarding the physiotherapy as a profession and physiotherapy as a treatment. Thank you so much.